हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो फ्लावर होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम। ये है हमारे पास यहाँ पर एक फ्लावर, इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट है इसमें। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर डंठल वाला पार्ट है इसे देखते हैं। इसे कहा जाता है स्टाल। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे स्टाल कहा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इस टाइप से, इसको कहा गया है ओवरी। ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर दोनों साइड, ये है सेपल। और इस टाइप से ये जो फ्लावर है इसमें बहुत सारे इस टाइप से सेपल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर सेपल बहुत सारे एक साथ होते हैं तो उसे कहा जाता है वर्ल ऑफ सेपल। ये जो पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर के अंदर, जो कि कलरफुल होती है, जो कि इंसेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करती है, उन्हें कहा गया है पेटल। क्या कहा जाता है इन्हें? पेटल। इसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसे कहा गया है स्टैमेन। जो स्टैमेन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। ये ऊपर यहाँ पर जो स्वेलन स्ट्रक्चर है इसे कहा गया है एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए रहते हैं। और यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है फिलामेंट, यानी एंथर और फिलामेंट आपस में मिलकर बनाते हैं स्टैमेन, जो कि क्या है, एक मेल पार्ट है फ्लावर का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस टाइप से बहुत सारे स्टैमेन यहाँ पर प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो इन सभी स्टैमेन को एक साथ कहा जाता है गाइनोशियम। क्या कहा जाता है? गाइनोशियम, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का। ऐसे यहाँ पर अपन देखते हैं ये वाला जो पार्ट है ये है यहाँ पर फ्लावर का पिस्टिल। क्या है ये? पिस्टिल है, जो कि फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। यहाँ पर सबसे ऊपर का ये जो पार्ट है जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं, इसे कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहा जाता है इसे? स्टिग्मा कहा जाता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसे कहा गया है स्टाइल। और यहाँ पर ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, फूली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, ये होती है ओवरी। यहीं पर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो सीड बनते हैं किसी भी फ्रूट के अंदर, तो जो ओव्यूल होता है ना वो यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो ओव्यूल है उसी से बीज बनेगा। और ये जो फूला हुआ पार्ट है जिसे ओवरी कहा गया है, ये ओवरी से बनता है फ्रूट। क्या बनता है? ओवरी से फ्रूट बनता है। इसके बाद ये जो यहाँ पर इतना फूला हुआ पार्ट है इसे कहा गया है रिसेप्टेकल। और ये जो रिसेप्टेकल है ये एक तरह से यहाँ पर जो भी एंथर वगैरह, यानी कि ये स्टैमेन है या फिर पिस्टिल है, इन सभी को बेस प्रोवाइड करने का जो काम है वो करता है रिसेप्टेकल, जिसे थैलेमस भी कहा गया है। क्या कहा जाता है इसे? थैलेमस। जबकि जो पिस्टिल वाला पार्ट है ये, अगर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पिस्टिल्स होते हैं तो उन्हें एक साथ कहा जाता है गाइनोशियम। क्या कहा जाता है? गाइनोशियम। और जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। आगे देखते हैं अब हम, किसी भी फ्लावर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो मेनली अगर देखा जाए तो तीन स्टेप में होती है। कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड हो जाएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब यहाँ पर जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसके अंदर दो इवेंट्स, यानी इसके अंदर दो सब इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से है? फर्स्ट हो जाएगा सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, जब गैमेट बन जाएंगे तो उनका ट्रांसफ़र होगा।
ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर कोई भी सब इवेंट्स नहीं है, यहाँ पर केवल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर दो सब इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होगा जायगोट फॉर्मेशन और दूसरा है यहाँ पर एम्ब्रियो सिंथेसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कि गैमेट सिंथेसिस दे रखा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। गैमेट सिंथेसिस किस टाइप से होता है फ्लावर के अंदर, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं फ्लावर में कि मेल गैमेट का जो सिंथेसिस है वो किस टाइप से होता है। जो पोलन ग्रेन होते हैं इन्हें हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होते हैं मेल गैमेट्स। तो ये कहाँ पर बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और किस टाइप से बनते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है स्ट्रक्चर एंथर की। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने ले रखी है ये है एक एंथर की स्ट्रक्चर। वैसे पूरा जो है ये, इसे हम स्टैमेन कहते हैं और ऊपर का इतना इतना जो पार्ट है ना वो एंथर है और ये क्या है यहाँ पर फिलामेंट है। तो किसी भी स्टैमेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है यहाँ पर एंथर। ठीक है, जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो इस स्वेलन स्ट्रक्चर यानी कि एंथर के अंदर बनते हैं। यहाँ पर ये एंथर की ऊपर से काट के ऐसे स्ट्रक्चर ले रखी है। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो एंथर होता है ना वो बायलोब होता है। बायलोब होता है मतलब यहाँ पर इस टाइप से टू मेन लोब बने हुए हैं। ठीक है, टू लोब्स यहाँ पर आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये जो टू लोब है ना इनके अंदर भी टू लोब्स होते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो फोर लोब होते हैं। ठीक है, कितने लोब होते हैं यहाँ पर? फोर लोब्स होते हैं, मेनली टू लोब है ये और उनके अंदर टू छोटे छोटे लोब्स बने हुए। जैसे शिमला मिर्च को अगर हम काट के देखें तो उसके अंदर इस टाइप से हमें फोर ऐसे पोलन सेक्स मीन्स ऐसे छोटे छोटे लोब दिखाई देते हैं ना, ऐसे यहाँ पर ये पोलन सेक बने हुए। ये जो पोलन सेक है इनके अंदर आपको ये रेड रेड दाने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये दाने जो से स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? पोलन ग्रेन है। क्या है ये? पोलन ग्रेन। और यही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एंथर के ऊपर ये कुछ लाइन्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ये जो पोलन है यहाँ से ये डायसेंस करता है। डायसेंस होना मतलब होता है कि जो पोलन ग्रेन है ना वो यहाँ पर जो लाइन्स रहती है साइड से वहाँ से एक तरह से फटना स्टार्ट हो जाता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो जो पोलन सेक है वो यहाँ से फट जाता है, टूट जाता है और यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर आ जाते हैं। तो जो एंथर का फटना या टूटना है उसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर एंथर क्या हो रहा है? डायसेंस कर रहा है, यानी कि फट रहा है यहाँ से और यहाँ से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं। अब ये जो एंथर है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हम देखते हैं। अगर एंथर को हम ऊपर से काट के ऐसे स्लाइड निकालें उसकी तो इस टाइप की स्ट्रक्चर कुछ हमें दिखाई देती है। यहाँ पर इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है? तो ये पोलन सेक है। ठीक है, मेनली जो पोलन है उसके अंदर टू लोब्स होते हैं ऐसे और यहाँ पर फोर ऐसे पोलन सेक्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से पोलन को ये जो एंथर है हमारा उसको ऐसे काट लें तो यहाँ से हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कौन सी लेयर होती है वो देख लेते हैं। जो एंथर है इसके चारों ओर ये सबसे आउटर जो लेयर होती है ये जो कि यहाँ पर बताई है ये कौन सी होती है? तो एपिडर्मिस है। कौन सी लेयर है ये? एपिडर्मिस है, जो कि क्या करती है? अंदर की ओर जितनी भी लेयर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर सेकंड नंबर के यहाँ पर जो लेयर आ रही है इसे हम बोलते हैं सेकंड नंबर की लेयर को एंडोथेसियम। क्या नाम दिया है इसे? सेकंड जो लेयर है उसे कहा गया एंडोथेसियम। और जो एंडोथेसियम की लेयर है ये क्या काम करती है? तो जब ये जो पोलन सेक है वो जब मैच्योर हो जाता है और इसका डेहिसेंस होता है मतलब यहाँ से जो पोलन सेक है वो टूटता है और उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, तो एंडोथेसियम जो है वो डायसेंस में हेल्प करता है
पोलन सेक की। इसके बाद यहाँ पर ये जो थर्ड वाली लेयर है अंदर की ओर, इसे कहा गया है मिडिल लेयर। कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो इस टाइप से सेल्स दिखाई दे रही है हमें, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसे कहा जाता है टैपेटम की लेयर। और ये जो टैपेटम की लेयर होती है ना, वो अंदर यहाँ पर ये जो सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें नरिशमेंट देती है, यानी कि एक तरह से फूड का काम करती है। ये जो टैपेटम है, ये क्या है? एक टाइप से स्टोर्ड फूड है। किसके लिए? यहाँ पर ये जो अंदर सेल्स है, माइक्रोस्पोर, मदर सेल कहते हैं इनको, तो ये सेल्स के लिए टैपेटम जो है वो नरिशमेंट यानी फूड का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख ली एंथर की, कि जो एंथर है वो किस टाइप से यहाँ पर होता है। यानी एंथर के अंदर मेनली अगर लेयर देखें हम, तो फोर लेयर है। कौन कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटियम, टेपेटम। इन सभी को अगर सभी को एक साथ हम देखें और सभी का एक साथ अगर फंक्शन देखें, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन का। ये चारों ही लेयर एक तरह से अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनकी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो सेल्स है, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, जो माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स है। तो ये आगे जाके सेल डिवीजन करेंगी और इनसे एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, यानी कि न्यूक्लियस बनते हैं अंदर ही अंदर, सेल नहीं बनती पूरी तरह से। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, ये एक सेल है, है ना, वन सेल है यहाँ पर, और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये टूट के यहाँ पर इस टाइप से दो न्यूक्लियस बना लेगा, और फिर दो से यहाँ पर इस टाइप से चार न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है एक तरह से, जिसे मियोसाइट भी यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आगे जाके इस टाइप से ये रो बन जाएगी और यहाँ पर ऐसे चार अलग अलग इस टाइप से शेक बन जाएंगे। ठीक है, और हर एक यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है वो पोलन ग्रेन को बनाने की कैपेसिटी रखेगा। इसे हम बोलते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे इसे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे वो कैसे रहेंगे? हैप्लोइड रहेंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेंगे वो हाफ रहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे, इनसे इस टाइप से यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन है, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई है, ये है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन के चारों ओर जो सबसे बाहर जो लेयर होती है, यहाँ पर ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, सबसे बाहर वाली ग्रीन कलर की जो लेयर है वो कहलाती है एग्जाइन। और ये जो एग्जाइन है वो काफ़ी हार्ड होती है। इसके ऊपर एसिड, बेस या फिर आप जो एंजाइम्स होते हैं या टेम्परेचर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी में कहा गया है कि अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो कि एग्जाइन को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, यहाँ तक कि एसिड, अल्कली और टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये छोटा सा आपको पोर दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर एग्जाइन अब्सेंट रहती है ना, जैसे पूरी जगह यहाँ तो एग्जाइन है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पर एग्जाइन अब्सेंट होती है एक छोटे से एरिया में, उसे ही कहा जाता है जर्म पोर। यहाँ ये जो जर्म पोर है, यहीं से आगे जाके ये जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेशन करेगा। ये जो एग्जाइन है, इसके अंदर की जो लेयर होती है उसे कहा जाता है इंटाइन। क्या कहा गया है उसे? इंटाइन कहते हैं, इंटाइन कहा गया है इसे। ठीक है, और इसके अंदर जो ये थर्ड वाली लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया है इसे। ठीक है, और यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस होता है,
और दूसरा न्यूक्लियस ये रहेगा। पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पर दो न्यूक्लियस है और इसके अलावा यहाँ पर ये जो येलो कलर के दिखाई दे रहे ये वैक्यूल्स है। आगे जाके ये जो पोलन ग्रेन है वो किस टाइप से डेवलप होता है वो आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं हम कि पोलन ग्रेन किस टाइप से डेवलप होता है। यहाँ पर देखिए ये जो पोलन ग्रेन है हमारे पास स्टार्टिंग में इस टाइप का रहता है, ठीक है। फिर इसमें ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे जो वैक्यूल्स है वो बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स है वो ये जो न्यूक्लियस है इसे नीचे की ओर दबा देंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे की ओर आ गया और यहाँ पर वैक्यूल बड़ा हो गया। अब यहाँ पर जो सेल है ना वो ये जो पोलन ग्रेन की एक जो सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है। एक तो यहाँ पर जो छोटा वाला न्यूक्लियस था वो ऐसे थोड़ा सा स्पिंडल शेप में हो जाएगा और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक सेल बन जाएगी जिसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। ये रही वेजिटेटिव सेल और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। टू न्यूक्लियस है इसमें और यहाँ पर ये जो छोटी वाली सेल होती है ये होती है जनरेटिव सेल। फिर आगे जाके ये जो वेजिटेटिव सेल है ना वो जनरेटिव सेल को क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है, मतलब निगल लेती है। और इस कारण ये जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करती रहती है, यानी कि तैरती रहती है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर थी यहाँ पर हमारे पास पोलन ग्रेन की, जिसके अंदर दो टाइप की सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव और एक होती है जनरेटिव सेल। अब यहाँ पर जनरेटिव सेल के बारे में कुछ बताया गया है वो देख लेते हैं। तो जनरेटिव जो सेल है ये ऊपर वाली जो सेल है ये ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है पूरी, है ना, ऐसे पूरे पोलन ग्रेन के अंदर आ जाएगी और जो जनरेटिव सेल है फिर आगे जाके इसके अंदर फ्लोट करती रहेगी। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर होती है इन साइज एज़ कम्पेयर टू जनरेटिव सेल। यहाँ पर जो फूड है वो अबेंडेंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि फूड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इररेगुलर शेप का यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इररेगुलर शेप में होता है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब बनती है उसकी ग्रोथ में यह वेजिटेटिव सेल ही हेल्प करती है, यानी कि यहाँ पर जो पोलन ट्यूब बनने का काम है, बनाने का काम है वो कौन करता है, तो वेजिटेटिव सेल करती है। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पर अगर देखें हम तो जो जनरेटिव सेल के बारे में बताया गया है, तो जो जनरेटिव सेल होती है वो साइज में स्मॉल होती है और इसका न्यूक्लियस जो है वो स्पिंडल शेप में होता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है और साथ में न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती रहती है। फिर जब पूरी तरह से ये पोलन ग्रेन से मैच्योर हो जाते हैं एंथर के अंदर, तो फिर ये पोलिनेशन प्रोसेस करके यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर लैंड कर जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से स्टिग्मा से होते हुए यहाँ पर जो ओव्यूल है उसके पास आएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर बताया है शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज फॉर द ईयर इन द लिक्विड नाइट्रोजन। अगर ये पोलन ग्रेन की हम वायबिलिटी की बात करें तो जनरली जो पोलन ग्रेन है वो कम समय तक ही जीवित रहते हैं, जैसे कि अगर गेहूँ और चावल में देखें हम, यानी कि वीट एंड राइस की प्रजातियों में अगर देखा जाए तो पोलन ग्रेन्स जो है वो ओनली 30 मिनट के लिए ही वायबल रहते हैं, यानी कि उतने टाइम में अगर उन्होंने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर ली तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज वो डेड हो जाएंगे, फिर वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जबकि कुछ और प्रजातियाँ जो है जैसे कि दूसरे जो प्लांट्स हैं उनमें इनकी जो वायबिलिटी है, जैसे रोजेशिया है या लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट है या फिर सोलेनेशिया फैमिली के जो प्लांट्स है, उनमें कुछ महीनों तक पोलन ग्रेन जीवित रहते हैं। साथ ही यहाँ पर कहा गया है
कि कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो कई सालों तक जीवित रखे जाते हैं, यानी कि उनकी वायबिलिटी जो है वो बनी रहती है, और उनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। टेम्परेचर कितना रहता है तो -196 डिग्री सेल्सियस तक ये जो टेम्परेचर है उसे हमें रखना पड़ता है, और पोलन ग्रेन या जो सीमेन होता है उसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगर कोई एनिमल है और उसके स्पर्म को हमें प्रिजर्व करना है तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा बताया कि जो भी पोलन ग्रेन्स है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से फॉरेन कंट्री में जो पोलन ग्रेन है उनके टैबलेट या सायरप बनाए जाते हैं और उन्हें न्यूट्रिएंट रिच टैबलेट्स के फॉर्म में या सायरप के फॉर्म में यूज़ भी किया जाता है। जनरली जो एथलीट होते हैं या फिर जो रेस के घोड़े होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं या एथलीट्स होते हैं, उन्हें टैबलेट या सायरप दिया जाता है जिससे कि उनके अंदर जो कैपेसिटी है, जो रनिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ सके। ये जो पोलन टैबलेट्स है वो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है यहाँ पर। इसके अलावा पोलन से एलर्जी होती है उसके बारे में बताया है कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, इनकी वजह से कुछ लोगों को पोलन एलर्जी भी होती है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, जो ब्रोंकाइटिस होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और ब्रोंकाइटिस या फिर एस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती है पोलन्स के कारण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम पूरा जो टॉपिक है उसे रिकॉल करें तो यहाँ पर हमने सबसे पहला देखा कि फ्लावर है, फ्लावर के अंदर हमने मेल जो पार्ट होता है फ्लावर का उसे देखा कि स्टैमेन है, स्टैमेन के अंदर होता है एंथर, एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे वो क्या थे, इस टाइप से जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी एंथर की, इसमें ऐसे 4 स्ट्रक्चर देखी थी हमने, है ना। ये जो 4 स्ट्रक्चर इस टाइप से हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, इनके अंदर ही यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं इनके अंदर स्पोरोजेनस सेल होती है यहीं पर, और ये जो सेल है वो मियोसाइट्स बनाती है। मियोसाइट जो है वो आगे जाकर माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, यहाँ पर जो मियोसाइट है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक जो सेल है वो मियोसाइट बनाएगी और वो सेल से जो मियोसाइट बना है फिर वो बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कि हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फिर ये जो हैप्लोइड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है उससे बनता है माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर जब ड्राई हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं तब बनाते हैं पोलन ग्रेन, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम ये पोलन ग्रेन की, इस टाइप से पाउडर फॉर्म में बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं पोलन ग्रेन्स, इनको यहाँ पर लार्ज साइज में करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है कि इस टाइप का दिखाई देता है पोलन ग्रेन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम ये जो कार्पेल है जिसको पिस्टिल कहा गया है, ये वाला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर यहाँ पर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक जो है यहाँ पर उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर अभी हमने जो मेल गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट जिनको हम ये पोलन्स कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं, वो पोलन ग्रेन किस टाइप से यहाँ पर बन रहे हैं वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो उसमें हम क्या देखें, एम्ब्रियो सेक किस टाइप से बनता है वो हम देखेंगे, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट किस टाइप से बनेगा वो सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।